ओम शांति। ज्ञान सागर वरदाता बाप दादा हमें कहते हैं, जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप बच्चे भी हर एक की विशेषता को देखो, जैसे हंस रत्न चुभता है पत्थर नहीं, वैसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना, उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। बाबा का हमें वरदान भी है हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। तो चलिए बाबा के इस वरदान का स्वरूप बने। संकल्पों के विस्तार को धीरे धीरे समेट ले। अपनी संकल्प शक्ति को मस्तक के मध्य पर एकाग्र करें। अपने सत्य स्वरूप को देखें। मस्तक पर चमकता हुआ मैं एक चैतन्य सितारा हूं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं होली हंस हूं। मुझ होली हंस का स्वरूप पवित्र है। मेरा कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना। जैसे हंस कभी भी पत्थर नहीं चुगता, सदा रत्नों को ही चुगता है, रत्नों को ही धारण करता है, वैसे मैं होली हंस भी किसी भी आत्मा के अवगुण न धारण कर गुण रूपी रत्न ही धारण करता हूं। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। वैसे मैं आत्मा भी हर एक की विशेषता को देखता हूं।
सर्व आत्माओं की विशेषता को देखने वाला मैं होली हंस हूं। मुझ होली हंस का काम ही है हरेक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। मुझ होली हंस को विशेषता रूपी रत्न चुपकर हरेक की विशेषता को देखकर सबकी विशेषता को सेवा में लगाना है। अब होली हंस बन अपने लौकिक अलौकिक परिवार की हर एक आत्मा के गुण देखे, उनकी विशेषता देखे। जिनके साथ भी हम रहते हैं, सेवा करते हैं, हर एक आत्मा की विशेषता को स्मृति में लाए। सबकी विशेषता को देखकर अब बाबा को कहे कि प्यारे बाबा, इन आत्माओं की विशेषता को आपको मेरे द्वारा सेवा में लगाना है। हरेक की विशेषता को देखकर सेवा में लगाकर मैं सबकी दुआओं के पात्र बनता हूं। मैं हरेक की विशेषता को देखकर उन्हें सेवा में लगाने वाला होली हंस हूं।
ओम शांति।